नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई दिन सोमवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। विजय सिन्हा ने बिहार के शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग। नीतीश कुमार ने कहा मीडिया पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा। सीपीआई के विधायक ने के पाठक को बताया नौकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिलने की अटकलें हुई तेज। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। अब बीते ही दिनों तेजस्वी यादव अमेरिका से वापस लौटे हैं। यहां आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वह आने वाले दिनों में अपनी पार्टी राजद प्रमुख लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा की सर्जरी करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि भाजपा के नेता बिहार के लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं कि महागठबंधन में दरारें दिखाई दे रही हैं और यह जल्द ही टूट जाएगा। भाजपा नेताओं के इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महागठबंधन मजबूत और एकजुट है। हम लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद नहीं है। वहीं खुद पर सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर बताया कि जब भी हम भाजपा को हड़ाते हैं और उसे बिहार से बाहर फेंकते हैं तो वो सीबीआई ईडी और आयकर लेकर आते हैं और इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इस दिन हो सकता है मोदी कैबिनेट में बदलाव। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा अभी जोरों पर है। अभी हाल में ही इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जहां पार्टी के कई बड़े मंत्री और नेता शामिल दिखे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा इस बात पर निर्णय लिया गया, जहां यह बताया गया कि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव 12 जुलाई को किया जा सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अब तक अपने काम के परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन पाए गए जिन मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है उनमें से कुछ मंत्रियों को संगठन में तो कुछ को राजभवन भेजा जा सकता है। मालूम हो कि जब देश में साल 2014 मोदी सरकार बनी थी तब से लेकर अब तक मोदी कैबिनेट में 5 बार विस्तार और फेरबदल हुए हैं। आनंद मोहन ने बताया कि उनसे डरी हुई है बीजेपी। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी उनसे डर गई है। 16 साल से जेल में बंद मेरे जैसे व्यक्ति से अगर सचमुच में ये लोग डर गए हैं तो उनका यह डर मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं जो लोग उनके रिहाई का विरोध कर रहे हैं उन्हें लेकर उन्होंने कहा कि हम ताल ठोक कर लड़ते हैं, किसी से गले मिलते हैं तो हृदय उड़ेल देते हैं। जो तिलक तराजू और तलवार मारो की बात करते थे वह प्रवचन दे रहे हैं। मालूम हो कि जेल से रिहाई के बाद एक बार फिर से आनंद मोहन अपनी जमीनी ताकत को मजबूत करने में लग गए हैं। इसी वजह से वे राजधानी पटना में नवंबर के महीने में रैली निकालेंगे जहां 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। इस रैली में शामिल होने को लेकर आनंद मोहन जगह जगह जा रहे हैं और रैली में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जदयू और राजद के बीच तनातनी की अटकलें तेज। महागठबंधन में मौजूद जदयू और राजद दोनों ही पार्टियों के बीच तनातनी की खबर अभी सामने आई है। हालांकि अपने विदेश दौरे से लौटे तेजस्वी ने इस बात से फिलहाल इनकार किया है। बावजूद इसके जदयू और राजद नेताओं के बीच बयानबाजी देखी गई। बता दें कि नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी और राजद के एमएलसी सुनील सिंह के बीच बयानबाजी देखा गया। दरअसल अशोक चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर बूढ़े शेर की फोटो लगाते हुए लिखा कि ताकत, सत्ता और जवानी कुछ भी स्थायी नहीं, सभी की एक्सपायरी डेट होती है। विनम्र रहे। मालूम हो कि इससे पहले भी राजद एमएलसी सुनील सिंह ने के पाठक और शिक्षा मंत्री के विवाद को लेकर जो बयानबाजी की थी उनके इस बयान को लेकर अशोक चौधरी द्वारा कहा गया था कि हम सुनील सिंह जैसे नेताओं के बयान को नोटिस भी नहीं करते। लालू यादव और राबड़ी देवी क्या बोले हैं वह अहम है। विजय सिन्हा ने बिहार के शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग। राज्य में शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के बीच जारी विवाद को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ बिहार के शिक्षा विभाग में हो रहा है उसके लिए तो शिक्षा मंत्री को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि आज बिहार के अंदर की राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए है। शिक्षा मंत्री जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी नैतिकता बची है तो अपने पास से इस्तीफा दे दो। आपके पीएस को नहीं रोका गया है, आपको रोका गया है। आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग से? हमारे बच्चों में क्या संदेश जा रहा है? नीतीश के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को मांझी ने दी हवा। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब जीतन राम मांझी का कुछ ऐसा बयान सामने आया है जिसने इस अटकलों को और हवा दे दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। देखना अहम होगा कि वह कब बदलते हैं और किस तरह से बदलते हैं। बिहार में राजद जदयू के बीच चल रहा गठबंधन बिल्कुल बेमेल है। दोनों दलों के वैचारिक स्तर और समाज में उनकी स्वीकार्यता के नजरिए से भी यह सही नहीं है। इस गठबंधन को ज्यादा दिनों तक बने रहना राज्य के हित में नहीं है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वह सभी बातों को समझते हैं। वह किस समय क्या करेंगे यह कहा नहीं जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि जब एनडीए के साथ सरकार थी तो अच्छा काम हुआ, गठबंधन की सरकार बनने पर कमजोर पड़ गया। अगर नीतीश एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा। भाजपा पार्टी के चुनावी वादे को लेकर तमिलनाडु के सीएम ने कही ये बात।
भाजपा पार्टी व केंद्र सरकार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी एकता के अगले बैठक में भाजपा और खासकर पीएम मोदी नाराज है। आगे उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि क्या साल 2014 और 2019 में पीएम मोदी द्वारा किए गए एक भी चुनावी वादे अभी तक पूरे हुए हैं। मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिलाया था भाजपा शासन में हर नागरिकों के खाते में 15 लाख जाएंगे। क्या उन्होंने देश के सभी नागरिकों को 15 लाख या 15 रुपए तक दिए? उन्होंने बताया कि अगर उनकी पार्टी को किसी प्रकार का संकट भी आ जाए तो वे भी किसी बात का फिक्र नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कहा, मीडिया पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा। विधानसभा परिसर में आयोजित वन महोत्सव में सीएम नीतीश कुमार ने पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम के बाद जब वे पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान किसी पत्रकार ने उनसे यह सवाल किया कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी का मीडिया पर एक तरफा कब्जा हो गया है और इन्हीं के मन मुताबिक खबरें चलती रहती है। बता दें कि नटकलों के बीच शायद इसलिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। इसके संकेत देने के लिए नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में तेजस्वी और तेज प्रताप को साथ बैठा कर लाए थे। सुशील मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुए चुनावी हिंसा पर कही ये बात। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की बात करते हुए लालू राबड़ी शासित बिहार के चुनावी हिंसा की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में खुलकर बमबाजी, आगजनी और बूथ लूट की घटनाओं से लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल के हालत लालू राबड़ी शासित बिहार की चुनावी हिंसा की याद ताजा कर रहे हैं। ऐसा भी चुनाव हुआ जब बिहार सरकार के 12 मंत्री बूथ लूट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और बाद में आयोग के पर्यवेक्षक केजे राव की सख्ती से यहां चुनावी हिंसा पर लगाम लगी। वहीं आगे ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद के लिए बूथ लूट ही लोकतंत्र है। ईवीएम से लोकतंत्र मजबूत हुआ और बूथ लूट बंद हुई, इसलिए ये लोग इस पर सवाल उठाते हैं। बंगाल में केवल भाजपा के नहीं विपक्ष खेमे के दो प्रमुख दलों यानी कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिलने की अटकलें हुई तेज। लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि वह पार्टी नेताओं के साथ 2-3 और बैठकों के साथ आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के संबंध में फैसला लेंगे। बता दें कि उन्होंने बिहार के पटना में अपने आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं ने उन्हें गठबंधन बनाने के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी गठबंधन पर सार्वजनिक रूप से बात करना अच्छा नहीं होगा। वहीं जब मीडिया द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो चिराग इस सवाल को टालते दिखे। दरअसल चिराग पासवान की मुलाकात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हुई, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। यूसीसी को लेकर सुशील मोदी के सुझाव को आरएसएस ने दोहराया। समान नागरिक संहिता को लेकर जहां विरोध हो रहे, वहीं इसके लिए कई तरह के सुझाव भी सामने आ रहे हैं। अभी हाल में ही कानूनी मामलों की संसदीय समिति की मीटिंग यूसीसी को लेकर की गई थी, जहां इसके अध्यक्ष बने सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। अब कुछ ऐसा ही सुझाव आरएसएस की तरफ से भी सामने आया है। दरअसल आरएसएस के अनुसांगिक संगठन कल्याण आश्रम द्वारा विधि आयोग को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया गया है कि उसे इस मामले में जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं सौंपनी चाहिए। विधि आयोग इस मामले में कोई फैसला लेने से पहले आदिवासी समाज के रिवाजों और परंपराओं को समझे। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे आदिवासियों के संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बात करनी चाहिए। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे वाली मांग पर कही ये बात। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल है, जिसके बाद लगातार विपक्षी दल तेजस्वी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब इसे लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल तो मांग करेगा ही, क्या लेना देना है। एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि हम लोगों से जबरदस्ती की जा रही है, जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर चार्जशीट, केस, मुकदमा, सीबीआई, ईडी सब लगा देंगे। नरेंद्र मोदी उनका यही काम है, कभी विकास का काम नहीं किया। 15 लाख रुपए गरीबों के खातों में नहीं गया। साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन वो भी खत्म हो गया, कोई काम के नहीं है। देश का पैसा लूटकर पार्टी और सरकार चला रहे हैं। सीबीआई के विधायक ने के पाठक को बताया नौकर। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के बीच विवाद जारी है। अब इसी को लेकर सीपीआई के विधायक सतेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने के पाठक को नौकर तक कह दिया और सरकार से ऐसे अधिकारी को कचरे में डाल देने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि के पाठक को चाहिए कि वे विधायिका का सम्मान करें, लेकिन वे कुछ ज्यादा ही इधर उधर कर रहे हैं। आगे उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में पहले भी अफसरशाही हावी थी और आज भी चरम पर है, और सीपीआई अफसरशाही के साथ नहीं है। अफसरशाही बिहार की जनता के लिए ठीक नहीं है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार होता है और विभाग में सरकार की चलनी चाहिए, नौकर की क्या हैसियत होती है।
टीएमसी नेता कीर्ति आजाद के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। कांग्रेस अब लगातार अपने पार्टी के जमीनी स्तर को मजबूत करने हेतु बिहार में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एक निजी कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने दरभंगा के पूर्व सांसद और टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद से मुलाकात की। मुलाकात कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया। वहीं कीर्ति आजाद ने खुद को लेकर कहा कि हम तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं। अब इस मुलाकात पर कीर्ति आजाद के बयान पर उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। यूसीसी को लेकर शशि थरूर ने बताया कांग्रेस की खामोशी की वजह। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर काफी बहसाबाजी देखने को मिल रही। जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसके समर्थन में उतरी तो वहीं कई लोगों का मानना है कि केंद्र में मौजूद बीजेपी इस कानून के जरिए हिंदू राष्ट्र की तैयारी कर रही। हालांकि पक्ष विपक्ष में से लेकर और भी कई अन्य तर्क और मतभेद देखे जा रहे हैं। अब इसी बीच इसे लागू करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभी तक ड्राफ्ट नहीं रखा है। प्रस्ताव रखने के बाद ही कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया देगी। आगे उन्होंने बताया कि एक चिंता है जो डर का आधार है कि विभिन्न समुदाय द्वारा मिले अधिकारों का हनन हो सकता है। हमें पहले यह देखना है कि आखिर सरकार का प्रस्ताव क्या है। सरकार ने अभी तक ड्राफ्ट नहीं रखा है और न ही हितधारकों के आठ किसी भी तरह की कोई चर्चा शुरू की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वह तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता। हमें हिंदू कोड बिल लाने के लिए भी आजादी के बाद 9 साल लगे और इसलिए लोगों को समझाने में समय लगता है। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, दयाशंकर प्रसाद, राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, अंशुप्रिया। चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या देश के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति आदि निजी मामले के लिए एक जैसे कानून सही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।